अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम मोहम्मद उमैर है, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल रियल स्टेट गाइड। तो नाज़रीन, आज मैं इस्लामाबाद में जिस सोसाइटी का रिव्यू करने आया हूँ, ये फैसल हिल्स है और ये बेसिकली टैक्सला में फाल करती है, टैक्सला के अंडर आती है। तो सबसे पहले मैं इस सोसाइटी की आपको जिस तरह मैं हर वीडियो में स्टेप बाई स्टेप दे के चलता होता हूँ, सबसे पहले मैं इसकी लोकेशन आपको समझा देता हूँ। तो फैसल हिल्स जो है नाज़रीन, ये जीटी रोड पे इसका मेन गेट है और टैक्सला के अंडर आती है। तो इसका जो डिस्टेंस है ज़ीरो पॉइंट से ये तकरीबन 30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और 26 नंबर स्टॉप जो है 26 नंबर से 16-17 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और तरनोल से तकरीबन ये 11-12 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है और तरनोल के बाद बी सेवनटीन के जो बिल्कुल साथ है, बी17 से 3-4 किलोमीटर के डिस्टेंस पे ये सोसाइटी है। तो इस साइड की अगर बात करें तो फैसल हिल्स के बाद 3-4 किलोमीटर के बाद टैक्सला है, वाकेंट है। तो एयरपोर्ट से अगर हम इसका डिस्टेंस देखें तो एयरपोर्ट से ये तकरीबन अराउंड कोई 28-30 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो सोसाइटी की लोकेशन अच्छी है, जीटी रोड पे इसका मेन गेट है और अभी इसका एक गेट बना है, दूसरा गेट भी इसका बन रहा है, वो भी जीटी रोड पे ही बन रहा है। तो लेकिन इसमें यह है कि ये सोसाइटी इस्लामाबाद से करीब नहीं है, इस्लामाबाद से काफ़ी डिस्टेंस बन जाता है, टैक्सला वाकेंट के ये बिल्कुल साथ बनती है या बी17 के साथ बनती है। तो इस्लामाबाद से इसका डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है। तो आपको इस्लामाबाद आने जाने के लिए अगर आप यहाँ से इस्लामाबाद जाते हैं सिटी में, तो आपको 40-45 से मिनट से लेके तो एक घंटे तक आपको टाइम लग सकता है इस्लामाबाद रावलपिंडी के लिए। तो इसकी बैक साइड पे मोटरवे है, मोटरवे से भी इसे कोई इंटरचेंज नहीं मिला हुआ है, इसके करीब करीब इंटरचेंज है, टैक्सला वाला इंटरचेंज है। अगर आप यहाँ से टैक्सला जाएंगे तो आपको टैक्स 10 मिनट लग जाएंगे आपको इंटरचेंज पर जाते हुए, या फिर वापडा टाउन AWT वाला इंटरचेंज है तो उस पर उससे जाके आप मोटरवे पे चढ़ेंगे तो वो भी तकरीबन 10-12 मिनट आपको लग जाएंगे। बेसिकली सोसाइटी की लोकेशन इस्लामाबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी लोकेशन नहीं है ये, तो लेकिन हम अगर इस एरिया की बात करें तो अगर हम पिशावर साइड की बात करें, साथ हसन अब्दाल है, हरिपुर है, एबटाबाद है, तो जो लोग इस तरफ से ट्रैवल करते हैं तो उनके लिए अच्छी लोकेशन है। इस्लामाबाद जाते हुए बिल्कुल रास्ते में जीटी रोड के ऊपर सोसाइटी बनती है ये फैसल हिल्स। तो बाकी काफ़ी बड़ा प्रोजेक्ट है फैसल हिल्स, चौधरी अब्दुल मजीद साहब हैं जिनका ये प्रोजेक्ट है, चौधरी अब्दुल मजीद साहब का इस एरिया में नाम है। उन्होंने पहले बहुत सारी सोसाइटीज़ डिवेलप की हैं, पहले उन्होंने फैसल टाउन डिवेलप की है, फैसल मार्गला सिटी है, B17 है, इसके अलावा और भी कई प्रोजेक्ट्स उन्होंने पहले कंप्लीट कर चुके हैं, उसके बाद अभी इन्होंने फैसल हिल्स स्टार्ट की है। तो फैसल हिल्स जो है नाज़रीन, ये 2016 में लॉन्च हुआ था, 2016 में इसकी आप कह लें कि पहली बुकिंग जो इन्होंने शुरू की थी वो 2016 में की थी, उसके बाद इन्होंने फिर 2017 या 2018 में दूसरी बुकिंग की थी और 2020 में इन्होंने इसकी तीसरी बुकिंग की है। तो मतलब 2016 से शुरू हो के तो अभी 2021 तक इन्होंने सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो काफ़ी हद तक इन्होंने कंप्लीट कर लिया है और अभी अंदर डेवलपमेंट का काम तो हो रहा है, रोड्स वगैरह बन रहे हैं, लेकिन अभी 3-4 साल हुए हैं सोसाइटी को शुरू हुए हुए। तो बाकी नाज़रीन, मैं अभी सोसाइटी में चलता हूँ, सोसाइटी में जाके हम विज़िट करते हैं सोसाइटी का और इंशाल्लाह उसके बाद फिर मैं फर्दर आपको गाइड करूँगा। तो नाज़रीन, फैसल हिल्स का मैंने विज़िट किया है, साइट विज़िट मैंने इसका कर लिया है। तो सोसाइटी जो है बिल्कुल अभी डेवलपिंग स्टेज पे है, अभी इसकी डेवलपमेंट हो रही है, इन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर तो इसका कंप्लीट कर लिया है, इंफ्रास्ट्रक्चर से मुराद है अभी इन्होंने कटिंग वगैरह कर ली है, लैंड जो है वो इन्होंने बिल्कुल क्लियर कर ली है, लेकिन अभी रोड्स वगैरह बन रहे हैं, कारपेटिंग हो रही है, सीवरेज अभी इनकी डल रही है। तो बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है फैसल हिल्स, तो इसमें अभी मेरे ख्याल में काफ़ी टाइम लगेगा इसको डेवलप होने में, कंप्लीट होने में। तो लेकिन डेवलपमेंट हर जगह पे मैंने देखी है, डेवलपमेंट हो रही है, रोड्स भी कारपेट हो रहे हैं, सीवरेज डल रही है, मतलब हर तरह की डेवलपमेंट सोसाइटी में हो रही है। तो बाकी फिर चौधरी अब्दुल मजीद साहब की सोसाइटी है, तो चौधरी अब्दुल मजीद साहब जो हैं उनका इस्लामाबाद में
सोसाइटी डेवलप करने में एक नाम है, बल्कि आप कह लें कि सबसे तेज़ तरीन प्रोजेक्ट अब्दुल मजीद साहब भी करते हैं, चोरी साहब भी करते हैं। पहले उन्होंने B17 बनाई है, 2007-08 में उन्होंने शुरू की थी और अभी उसमें 2020-21 तक 10-12 साल में आप कह लें कि कोई 40-50% आबादी उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया हर तरह से। तो सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अच्छा है, इसमें मिनिमम 40 फीट की स्ट्रीट्स हैं और 150 फीट का इनका मेन बुलेवार्ड है जो गेट से आ रहा है, और अभी इनका दूसरा गेट जो बन रहा है जीटी रोड पे, तो उसका जो रोड होगा मेन बुलेवार्ड उस तरफ जो होगा तो वो तकरीबन 225 फीट का बना रहे हैं ये। तो जो 40 फीट की स्ट्रीट्स हैं उनके साइडों पे ग्रीन बेल्ट्स बना रहे हैं, फुटपाथ बना रहे हैं, मतलब 40 फीट स्ट्रीट के अलावा ग्रीन बेल्ट या फुटपाथ के एडिशनल साथ हैं वो खुले खुले हैं। तो सोसाइटी में प्लांटेशन भी शुरू हुई है, तो इन्होंने अभी बिल्कुल डेवलपिंग स्टेज पे है लेकिन काफ़ी ज़्यादा इन्होंने प्लांटेशन कर दी है सोसाइटी में, जो मेन एरियाज हैं वहाँ पे तो अभी इनकी जो है ग्रीनरी काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है। तो नाज़रीन बेसिक फैसिलिटीज़ की अगर बात करें तो बेसिक फैसिलिटीज़ कह लें या बेसिक नीड्स कह लें, उसमें इलेक्ट्रिसिटी है, गैस है, पानी है, तो बेसिक फैसिलिटी सोसाइटी कमिट कर रही है। अभी जिन जगहों पर चांद एक जगह पर इन्होंने पोजेशन अनाउंस कर दिया है वहाँ पे लोगों को मिल भी चुकी हैं। तो इलेक्ट्रिसिटी अंडरग्राउंड है इनकी, गैस है और वाटर की सप्लाई दे रहे हैं सोसाइटी वाले खुद, सोसाइटी ने बोर किए हुए हैं। तो जब इस एरिया में जो है ग्राउंड वाटर लेवल भी ठीक है, 60-70 फीट से शुरू हो के 100-110 फीट तक जगह के हिसाब से पानी आ जाता है, तो लोग बोर भी करवा लेते हैं, जो चाहते घर बने हुए हैं तो काफ़ी लोगों ने बोर भी करवाए हुए हैं। तो जो सोसाइटी बेसिक नीड्स के अलावा फिर कमर्शियल एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जिसमें आपको मार्केट्स मिलती हैं, शॉपिंग मॉल्स मिलते हैं, हॉस्पिटल, स्कूल, कॉलेज, इस तरह फार्मेसीज, इस तरह की जो चीज़ें हैं वो उनको तो अभी यहाँ पे बहुत सा टाइम लगेगा, क्योंकि इन्होंने कमर्शियल तो वैसे सोसाइटी में बहुत बड़े बड़े कमर्शियल इन्होंने रखे हुए हैं, बल्कि इन्होंने हाई राइज कमर्शियल हाई राइज़ के लिए भी जगह इन्होंने रिज़र्व की हुई है। हाई राइज़ भी जो फैसल हिल्स में बनेंगे इस्लामाबाद सीडीए के सेक्टर्स में, तो हाई राइज़ की इजाज़त ज़्यादा नहीं है यहाँ पे। मैंने सुना है कि 20-22 स्टोरी या 30 स्टोरी तक भी इन्होंने कमर्शियल साइट्स इनकी रिज़र्व्ड हैं जो कि ये बनाएंगे। तो कमर्शियल एक्टिविटीज़ जब होंगी तो इस तरह की नीड्स तो तब ही पूरी होती हैं, या जब ये कमर्शियल इन्होंने सेल आउट तो कर दी हैं। हाई राइज़ अभी मेरे ख्याल में इन्होंने सेल नहीं की है, कमर्शियल्स इन्होंने आलमोस्ट बेच दिए हैं। तो अभी जिस तरह ये डेवलप करते जाएंगे, लोग आएंगे घर बनाने के लिए, तो उसी तरह साथ साथ कमर्शियल एक्टिविटीज़ भी होती रहेंगी। तो फ़िलहाल सोसाइटी स्टेज पे है कि इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी प्लेस है, क्योंकि अभी इसकी प्राइसेस जो हैं बहुत ज़्यादा नहीं है। वैसे तो जो एवरेज सोसाइटीज़ होती हैं उनसे अभी भी इसकी प्राइसेस काफ़ी ज़्यादा हैं फैसल हिल्स की, लेकिन इसका जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर है या जिस तरह की ये फैसिलिटीज़ दे रहे हैं तो उस हिसाब से भी इसकी प्राइसेस बहुत रीज़नेबल हैं और फ्यूचर में इसकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा होंगी। घर अब भी आप यहाँ पर बना सकते हैं, इन्होंने ए ब्लॉक में पोजेशन दे दी है और एग्जेक्टिव ब्लॉक में भी दी है और चांद एक और जगहों पर भी पोजेशन इन्होंने अनाउंस की हुई है, लोग घर बना रहे हैं। तो लेकिन अभी मेरे ख्याल में इस तरह की जगह ये नहीं है, अभी इसमें इतनी डेवलपमेंट नहीं हुई कि आप आके यहाँ पे घर बनाएं और आप अपनी फैमिली के साथ यहाँ पे रहें। तो क्योंकि अभी आपको बिल्कुल सोसाइटी से बाहर ही अपनी नीड्स के लिए जाना पड़ेगा, वॉक एंड टैक्सला जाएँगे या इस्लामाबाद जाएँगे, तो अभी रहने के लिए ये जगह नहीं है। अभी इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत अच्छी जगह है, आप कमर्शियल्स में इन्वेस्टमेंट करें, रेजिडेंशियल में इन्वेस्टमेंट करें, फाइल्स ख़रीदें। तो बाकी मैं इसकी सोसाइटी की फाइल्स के मतलब भी बता देता हूँ, इन्होंने सबसे पहले लॉन्च किया था एग्जेक्टिव ब्लॉक, उसके बाद 2016 में इन्होंने सबसे पहली अलाटमेंट की थी, दूसरी अलाटमेंट इन्होंने जो है वो 2017 में की या 18 में की है, और तीसरे फेज़ में इन्होंने 2020 में अलाटमेंट की है। तो अब जिनकी 2016 वाली या 2017-18 वाली जिनकी अलाटमेंट्स हैं उनकी तो आप कह लें कि ड्यूज़ उन्होंने इंस्टॉलमेंट्स अपनी पे कर ली हैं, प्लॉट की जो इंस्टॉलमेंट्स हैं, डेवलपमेंट चार्जेस हैं वो उन्होंने पे कर ली हैं, और अभी सोसाइटी ने बेल्टिंग भी शुरू कर दी है।
फ़ाइलों वाला मैं आपको बता देता हूँ, बहुत सारे लोगों को फ़ाइलों का नहीं आइडिया होता कि फ़ाइल वाली इन्वेस्टमेंट किस तरह होती है। फ़ाइल में इस तरह होता है कि जब आप कोई किसी जगह पे कोई नई सोसाइटी शुरू होती है तो हम वहाँ पे जाके फ़ाइल परचेज़ करते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमने 5 मरला की फ़ाइल परचेज़ कर ली, फ़ाइल 5 मरला की फ़ाइल हमें मिल गई 15 लाख रुपये की। हमने वो परचेज़ 4 लाख 5 लाख हमने उसकी डाउन पेमेंट दे दी और हमने इंस्टॉलमेंट्स देनी शुरू कर ली। तो सोसाइटी ने 3 साल की फॉर एग्ज़ाम्पल इंस्टॉलमेंट्स रखी हुई हैं, तो 3 साल तक जब तक हमारी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर नहीं होती तो हमें आइडिया नहीं होगा कि हमारा प्लाट 5 मरले का जो हमने सोसाइटी में लिया है ये किस जगह पे होगा। तो आफ्टर 2-3 ईयर्स के बाद जब लोगों की इंस्टॉलमेंट्स काफ़ी हद तक कंप्लीट हो चुकी होती हैं तो फिर सोसाइटी वाले उसकी बैलेटिंग करते हैं, तो दूसरे अल्फाज में आप कह लें कि कुरा अंदाजी करते हैं। तो कुरा अंदाजी में जिन लोगों की फ़ाइल्स होती हैं तो उनके अगेंस्ट फिर प्लाट निकलते हैं, प्लाट नंबर अलाट होते हैं, तो वो किसी का कहीं पर निकल आता है, किसी का कहीं पर निकल आता है। तो इस तरह फ़ाइल्स होती हैं, सबसे पहले आप फ़ाइल ख़रीदते हैं, उसकी इंस्टॉलमेंट्स आप देते रहते हैं, 2-3 साल बाद जब आपकी इंस्टॉलमेंट्स पे होती हैं जो सोसाइटी ने टाइम कमिट किया हुआ होता है, तो उसके बाद फिर सोसाइटी बैलेटिंग करती है और आपको प्लाट नंबर के साथ प्लाट अलाट होता है और आपको पोजेशन मिलती है सोसाइटी की तरफ से। तो फैसल हिल्स में जो 2016 या 2017-18 में जो अलाटमेंट हुई थी उनकी तो इस टाइम इंस्टॉलमेंट्स क्लियर हो चुकी हैं और सोसाइटी ने काफ़ी ज़्यादा बैलेटिंग कर चुके हैं और अभी ये स्टेप बाय स्टेप बैलेटिंग कर भी रहे हैं। जो अभी 2020 में अलाटमेंट हुई थी तो उसमें तो अभी लोगों की इंस्टॉलमेंट्स अभी शुरू हुई हैं, तो उसमें तो अभी टाइम है बैलेटिंग होने में या पोजेशन में। तो इस वजह से ये सोसाइटी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आप जिन प्लॉट्स की बैलेटिंग हो गई है आप वो प्लॉट भी ले सकते हैं और उनका आपको प्लॉट नंबर के साथ फ़ाइल आपके नाम पे ट्रांसफ़र होगी। तो जिनकी अभी बैलेटिंग नहीं हुई तो वो आप फाइल्स परचेज़ कर सकते हैं, फ़ाइल्स ज़रा कम प्राइस में होती हैं, जो जिनकी इंस्टॉलमेंट्स क्लियर हो गई हैं वो ज़्यादा प्राइस में होती हैं, तो क्योंकि उसके डेवलपमेंट चार्जेस ड्यूज़ आर तमाम चीज़ें जो हैं वो लोगों ने जमा करवा दी होती हैं सोसाइटी में। तो नाजरीन, फैसल हिल्स वालों ने हर तरह की एक्टिविटीज़ के लिए इन्होंने साइट्स रिज़र्व की हुई हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया कमर्शियल की साइट्स इनकी रिज़र्व हैं, हाई राइज की रिज़र्व हैं, और इसके अलावा सोसाइटी वालों ने प्लेग्राउंड्स की साइट रिज़र्व की हुई हैं और प्लेग्राउंड्स में फुटबॉल ग्राउंड अलहदा इन्होंने छोड़े हुए हैं, क्रिकेट स्टेडियम क्रिकेट ग्राउंड अलहदा छोड़े हुए हैं। तो इसके अलावा स्कूल के लिए, कॉलेज के लिए, हॉस्पिटल के लिए इन्होंने साइट्स रिज़र्व की हुई हैं और यूनिवर्सिटी के लिए भी इन्होंने एक प्लाट 125 कनाल का एक प्लाट इन्होंने रिज़र्व किया हुआ है। तो मेरा बताने का मतलब है कि फ्यूचर में सोसाइटी में ही आपको हर तरह की फैसिलिटीज़, हर तरह की नीड्स जो कि एक फैमिली को ज़रूरत होती हैं, हर तरह की चीज़ें आपको सोसाइटी में ही मिल जाएंगी। मतलब एक छोटा सा बल्कि छोटा नहीं काफ़ी बहुत बड़ा एरिया फैसल हिल्स का, तो एक टाउन या एक सिटी आप कह लें कि ये डेवलप हो जाएगा फ्यूचर में, लेकिन उसे अभी टाइम लगेगा। अभी आप कह लें कि घर बनाने वाली जो स्टेज है इसमें जब आप आके यहाँ पे रहना पसंद करेंगे तो वो स्टेज तकरीबन अभी 5-6 साल बाद यहाँ पे आएगी, बाकी घर तो बनने शुरू हो गए हैं। तो इसके अलावा सोसाइटी के कुछ बैड फैक्टर्स भी हैं, जिस तरह लोकेशन इनकी कोई बहुत अच्छी नहीं है, बेशक जीटी रोड से डायरेक्ट अप्रोच है, जीटी रोड के ऊपर इनका गेट है, लेकिन हमने देखना है इस्लामाबाद पिंडी से इसकी एक्सेस और अप्रोच, तो सिर्फ इस्लामाबाद और पिंडी से एक्सेस वाइज अप्रोच वाइज इसकी लोकेशन कोई खास बहुत अच्छी नहीं बनती, काफ़ी डिस्टेंस बन जाता है। लेकिन वो भी मारगला रोड जो है, पहले भी मैंने काफ़ी वीडियोज़ में डिस्कस की है, मारगला रोड जब बनना है तो इस एरिया में जितनी भी सोसाइटीज़ हैं तो इनकी एक्सेस इस्लामाबाद के लिए बहुत बेस्ट, बहुत बेहतर हो जानी है। इससे भी मारगला रोड जब बनेगा तो इस पर भी बड़ा उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, क्योंकि मैंने आपको बताया कि अभी हमें अगर 40 मिनट या 1 घंटा लगता है यहाँ से इस्लामाबाद जाने के लिए, तो जब मारगला रोड बन जाएगा तो वो हमारा 50% जो टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा। 20-25 मिनट में मेरे ख्याल में हम यहाँ से जो है इस्लामाबाद चले जाएंगे जब मारगला रोड बन जाएगा, क्योंकि जीटी रोड पे इसका मेन एंट्रेंस है फैसल हिल्स की, और जीटी रोड से थोड़ा सा आगे जाके संजानी B17 के बाद संजानी स्टॉप पर ही मारगला रोड ने अटैच होना है, तो यहाँ से तकरीबन 5-6 किलोमीटर पर संजानी स्टॉप है।
तो फ्यूचर के हवाले से मार्गला रोड बनेगा तो फिर इसकी एक्सेस अच्छी हो जाएगी। बाकी बिल्कुल एक साइड पे इस्लामाबाद के, बिल्कुल आप कह लें कि अगर हम पेशावर वाली साइड से हैं तो इस्लामाबाद का ये बिल्कुल स्टार्ट है जहाँ पे ये सोसाइटी है। और इसके साथ बिल्कुल B17 में अभी जो लोग कुछ घर बना रहे हैं तो उनको अगर बेसिक नीड्स के लिए जाना पड़े तो वो B17 में भी जा सकते हैं, टैक्सला में भी जा सकते हैं। और ये फैसल हिल्स वाले जो हैं, एक रास्ता मार्गला हिल्स के दरमियान में से ये B17 तक भी B17 के साथ इसे अटैच कर रहे हैं, तो फ्यूचर में फैसल हिल्स से आप B17 या B17 से फैसल हिल्स में भी यहाँ पर आ जा सकते हैं। अभी तो GT रोड से आना जाना पड़ता है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राइसेस के मुतलक भी मैं आपको गाइड कर देता हूं, इसकी प्राइसेस क्या क्या चल रही हैं और इंक्रीज़ इन्होंने कितना किया है, इन्वेस्टमेंट इसमें किस तरह की है। तो नाज़रीन प्राइसेस भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले मैं प्लाट साइजेस बता देता हूं। फैसल हिल्स वालों ने इन्होंने अभी तक ए ब्लॉक, बी ब्लॉक, सी ब्लॉक और एग्जीक्यूटिव ब्लॉक इन्होंने तकरीबन डेवलप कर लिए हैं और उनमें काफ़ी हद तक इन्होंने बैलेटिंग भी की हुई है। तो जो इनके प्लाट साइजेस हैं 5 मरला के हैं, इनमें 8 मरला के हैं और 10 मरला के हैं, 14 मरला के हैं, 1 कनाल के और 2 कनाल के प्लाट साइजेस हैं यहाँ पे। तो 5 मरला की जो इन्होंने सबसे पहले अलाटमेंट की थी 2016 में, तकरीबन 15 लाख की रेंज, 15 लाख के राउंड अबाउट इन्होंने सबसे पहली बिल्डिंग की थी। और 8 मरला की तकरीबन 20-21 लाख की रेंज में इन्होंने बिल्डिंग की थी और 10 मरला की तकरीबन आप कह लें कि 28-30 लाख के राउंड इन्होंने बेल्टिंग की थी। और 14 मरला जो हैं, 14 मरला की इन्होंने 35 लाख के राउंड अबाउट की थी और 1 कनाल की 50 के राउंड अबाउट इन्होंने 2016 में बेल्टिंग की थी। तो नाज़रीन 2017-18 में जो बेल्टिंग हुई थी उसमें 5 मरला की जो प्राइस है वो 18 लाख थी और 8 मरला की प्राइस 25 लाख थी, 10 मरला की प्राइस 35 लाख थी और 14 मरला की प्राइस तकरीबन 42 के राउंड अबाउट थी और 1 कनाल की प्राइस 60 के राउंड अबाउट थी। ये 2017-18 वाली बेल्टिंग की मैं बात कर रहा हूँ। तो ये अगर आप डिफरेंस देखें तो 2015 से हर प्लाट हर साइज़ की प्राइस में 2-3 लाख से 8-10, 6-7-8-10 लाख तक का भी डिफरेंस है। तो नाज़रीन 2020 में जो अलाटमेंट की है सोसाइटी ने, जो फाइलें इन्होंने 2020 में बेची हैं उसकी प्राइस सोसाइटी ने 5 मरला की 38 लाख रुपए निकाली थी और 8 मरला की 53-54 लाख रुपए निकाली थी, 10 मरला की तकरीबन 70 लाख रुपए निकाली थी और 14 मरला जो हैं उनकी तकरीबन 80 लाख रुपए इन्होंने प्राइस निकाली थी 80-90 लाख की रेंज में। और जो 1 कनाल के प्लॉट हैं वो तकरीबन 1-10 की रेंज में इन्होंने अलाट किए थे। तो प्राइसेस डिफरेंस आप खुद ही देख लें, जो 2016 वाली अलाटमेंट है और जो 2020 वाली अलाटमेंट है तो इसमें बहुत काफ़ी बड़ा डिफरेंस है। 2020 वाली अलाटमेंट की जो प्राइसेस हैं वो तकरीबन 2016 वाली से डबल या डबल से भी शायद कुछ ज़्यादा हैं, जो अभी प्राइसेस 2020 में निकली हैं। तो उसके अलावा भी इस सोसाइटी में बिज़नेस भी बहुत ज़्यादा हुआ है, एरिया इसका बहुत ज़्यादा है और काम करने वाले डीलर्स हजरात का बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो इस सोसाइटी के साथ या चौधरी अब्दुल मजीद साहब की सोसाइटी के साथ जो अटैच हैं, तो उन्होंने बड़ा यहाँ पे काम किया है, इन्वेस्टर्स ने यहाँ पे बहुत रोल अदा किया है। तो अभी इसमें जो प्राइसेस हैं काफ़ी इंक्रीज़ हो गई हैं आजकल, तो मतलब जो 2020 वाली मैंने आपके प्राइसेस बताई हैं तो अभी तो शायद इससे भी कोई 5-6 लाख या 8-10 लाख तक ज़्यादा प्राइसेस चल रही हैं इस टाइम। तो प्राइसेस काफ़ी इंक्रीज़ किया है प्राइसेस ने, इन्वेस्टमेंट अच्छी है घर बनाने के लिए। आपको मैंने सारी चीज़ें बता दी हैं, अभी सूटेबल नहीं है लेकिन ये है कि आप प्लाट लेके रख सकते हैं, आप आने वाले 3-4 साल में 5 साल के बाद आप यहाँ पे घर बना के रह सकते हैं। सोसाइटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, लोकेशन के बारे में मैं आपको गाइड कर दिया है कि अभी इस्लामाबाद से दूर है लेकिन फ्यूचर में मार्गला रोड की कनेक्टिविटी से काफ़ी बेहतर लोकेशन हो जाएगी इसकी। और फैसिलिटीज़ का मैंने आपको बता दिया, फैसिलिटीज़ इन्होंने बहुत सारी दी हुई हैं, इन्होंने बहुत सारी फैसिलिटीज़ कमिट की हुई हैं, तो डिवेलपमेंट के साथ साथ ये फैसिलिटीज़ देते जाएँगे। कमर्शियल एक्टिविटीज़ का मैंने बता दिया आपको, अभी इसमें कोई ख़ास शुरू नहीं हुई लेकिन कमर्शियल प्लाट जो हैं वो तकरीबन आप कह लेंगे 90% इन्होंने सेल कर दी हैं, जिन लोगों ने प्रोजेक्ट्स करने हैं उन्होंने परचेज़ कर लिए हैं। कमर्शियल एक्टिविटी कुछ 1-2 जगह पे शुरू भी हो गई हैं। और इसके अलावा साइट्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है,
इन्होंने हर तरह की साइट्स रिज़र्व की हुई हैं, हर तरह की नीड के लिए जो साइट्स जो भी बिल्डिंग्स के लिए नीड होती है वो इन्होंने साइट्स रिज़र्व की हुई हैं। तो नाज़रीन, फैसल हिल्स में सोसाइटी का ऑफिस भी सोसाइटी के फैसल हिल्स के अंदर ही बना हुआ है। तो अभी आपको अगर यहाँ पे प्लाट चाहिए, आपने प्लाट परचेज़ करना हो, तो सोसाइटी ऑफिस से तो शायद आपको नहीं मिलेगा, जो रियल स्टेट वाले लोग हैं तो उनसे आप कॉन्टेक्ट, क्योंकि सोसाइटी ने तो सेल कर दी है, कोई नई अलाटमेंट आएगी तो आपको सोसाइटी ऑफिस से भी मिल जाएंगे। लेकिन जो रीसेल में प्लाट हैं इस टाइम सारे रीसेल में ही हैं, वो आपको डीलर्स हजरात से, रियल स्टेट वाले लोगों से ही मिलेंगे। तो इसमें जो ट्रांसफ़र का प्रोसीजर है वो अभी साइट ऑफिस तो इनका बन गया, फंक्शनल है, मैनेजमेंट सोसाइटी की साइट ऑफिस में ही होती है, यहीं से बैठ के सोसाइटी की डेवलपमेंट को देख रहे हैं कि सारा कुछ कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन जो ट्रांसफ़र प्रोसीजर है वो अभी इनका जो फैसल टाउन वाला ऑफिस है, फैसल टाउन वाले के ऑफिस, फैसल टाउन में ऑफिस बना हुआ है, तो वहाँ पर जाके प्लाट ट्रांसफ़र्स होते हैं, और अगर कोई नई अलाटमेंट भी होती है तो वो भी अभी वहीं से फैसल टाउन वाले ऑफिस से ही आपको फाइलें मिल सकती हैं। तो लेकिन अभी सुन रहे हैं कि बिल्कुल कुछ ही दिनों में अपना ये ऑफिस जो है फैसल टाउन से, फैसल टाउन में तो रहेगा ही क्योंकि फैसल टाउन भी इन्हीं की सोसाइटी है। तो फैसल हिल्स का जो टोटली इनका वर्क है, जो वो कह रहे हैं कि ये फैसल हिल्स में ही, फैसल हिल्स वाले ऑफिस में ही शिफ्ट कर रहे हैं, तो फिर आप फैसल हिल्स में ही इसका ट्रांसफ़र वगैरह और सारा कुछ इसका यहीं पर आपको मिल जाएगा। तो नाज़रीन, सोसाइटी के मतलब मैंने आपको तकरीबन काफ़ी मैंने इंट्रोडक्शन सोसाइटी का करवा दिया है, इसके बारे में आपको बता दी है, और इसका एक शॉर्ट सा टूर भी मैं वीडियो के साथ अटैच कर दूंगा एंड पे, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा किस तरह की डेवलपमेंट कर रही है सोसाइटी, किस तरह का इनका इंफ्रास्ट्रक्चर है। और इंशाल्लाह इसके बाद नाज़रीन, मैं फैसल हिल्स के बाद मैं नेक्स्ट वीडियो जो करूँगा वो टॉप सिटी जो कि एयरपोर्ट के बिल्कुल साथ है, कश्मीर हाईवे एयरपोर्ट या इस्लामाबाद वाले मोटरवे इंटरचेंज के साथ टॉप सिटी और मुमताज़ सिटी की नेक्स्ट वीडियोस मैं बनाऊंगा। तो हमारे साथ रहिएगा।